अस्सलाम वालेकुम, मैं सोशल वर्कर सफिया माहिया नीलोफर हॉस्पिटल को आज सुबह भी आए थे। 4 घंटे तक हम सुबह ये हॉस्पिटल में थे। हमारे सामने लोग सिर्फ बच्चे को इंजेक्शन दे देके उसका बॉडी छन्नी करके हमारे सामने ये बता रहे थे कि अब ट्रीटमेंट दे रहे लोग। अभी हमारे को फोन आया, मैडम ऐसा ऐसा हमारे बच्चे को ये लोग रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे, सिर्फ ये बोल रहे कि तुम लोग सिग्नेचर कर दो, उसके बॉडी पार्ट्स जो भी है पूरे डैमेज हो गए बोल के ये लोग को बोल के उनके पेरेंट्स को बोल रहे लोग। तो बच्चा अभी हम लोग आके टच करके देखे तो पूरा बच्चा बर्फ जैसा, डीप फ्रीजर में जो बर्फ पकड़ता वो हालत है। और 10 साल की एक बच्ची, सुबह फीवर आया, उसको फीवर आया तो लेके आए, वो बच्ची भी अभी डेड बॉडी बन के पड़े हुए है। और ये लोग ये बोल रहे कि यहाँ पर नहीं होता ट्रीटमेंट, तुम KCR करने जाओ। और KCR को डाल रहे, KCR मिशनरी भेजता उसको फोन करो या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ पर नहीं होता। फिर ये तनख्वाह कहीं की ले रहे, इनको इनको सैलरी कौन दे रहा है, ये हॉस्पिटल किससे चल रहा, गवर्नमेंट से ही चल रहा ना, फिर लोग की गुंडागर्दी से लोग किसके भी जाना लेते। ये कब मालूम हुआ मैडम आपको? अभी हमारे को एक 10 बजे मालूम हुआ, 10 बजे फोन आया। तो उनके आप उनके पेरेंट्स से वगैरह मिले हैं? उनके फादर से भी मिले, बच्ची के मदर से भी मिले, 2 पेशेंट्स के भी पेरेंट्स से मिले हम। अच्छा, आप जाके चेकअप करे उनको? जाके चेकअप करके टच करके देखने के बाद मालूम हुआ बच्चे बर्फ बने हुए, दोनों बच्चे भी जी। और तो डॉक्टर से आप मुलाकात कर रहे हैं या डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर वहाँ पर है ही नहीं, तो डॉक्टर है ना, बच्चों के फाइल्स है, वहाँ पर फाइल भी गायब है, डॉक्टर भी गायब है। और लेडी डॉक्टर कोई बोल रही कहती है तुम लोग KCR को फोन करो, KCR ट्रीटमेंट करता है यहाँ पर आके। तो सैलरी कौन दे रहे? KCR साहब से क्या मुताबला करेंगे आप? KCR साहब से हुकूमत, गवर्नमेंट हुकूमत से हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे डॉक्टर्स रहना नहीं रहने के बराबर है। ये मजबूर बेबस लोग आते हैं पर हॉस्पिटल में, लोग की गुंडागर्दी से लोग कई लोगों के जाना ले रहे, बोलते ऐसे लोग वेस्ट है हॉस्पिटल में रहना। Thank you.
शाहपुर करो कौन को।